नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है ओरिजिनल पॉडकास्ट में। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच लेकर। आज की ये स्पीच जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो है विश्वविख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन साहब की एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच। हमें उम्मीद है कि ये स्पीच सुनकर आप अपनी सफलता के लक्ष्य के एक कदम और नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो आइए सुनते हैं इस बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच को। वक्त को अपना सुविधाजनक मित्र बनाएं। बड़े गुलाम अली खां साहब के लिए वक्त उनका नौकर था, यही बात अली अकबर खां साहब के साथ थी। हर काम के लिए पर्याप्त वक्त रहता था। मेरे लिए वक्त का अर्थ क्या है इन दिनों और इस दौर में, यह आशा करना कि वक्त आपका दोस्त है यह अभिलाषा एक भ्रम है। मैं ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि मेरे पास दुनिया में इतना वक्त रहता है कि मैं जो चाहता हूँ करता रहूँ। हालांकि मैं ये कहूँगा कि वक्त एक सुविधाजनक मित्र रहा है। मैं उस वक्त के बारे में सोचता हूँ जब मैं पैदा हुआ था, जब मैंने संगीत बजाना शुरू किया था। जो मेरे संगीत साथी थे वे लोग जिनकी ओर मैं खिंचता जाता था, वे संगीतकार जिनके साथ मैंने संगत की, वह ज्ञान जो मैंने हासिल किया, उस अर्थ में वक्त एक सुविधाजनक मित्र रहा है। आज मैं पीछे देख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मेरे संगीतकारों की चार पीढ़ियों के साथ बजाया है। मैंने अपना संगीत चार पीढ़ियों के साथ बजाया है, उनके साथ उठा बैठा हूँ और पांचवी पीढ़ी भी ज़्यादा दूर नहीं है और मैं अब भी यही कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ साल अभी बाकी हैं। मुझे लगता है कि वक्त बहुत जल्दी बीतता है। दिन में इतना समय नहीं रहता कि मैं वह सब कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैं थक जाता हूं। पर आजकल ज़िंदगी ऐसी ही है, इसको लेकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मैं ही हूं जो हाँ कहता हूं। इस मायने में वक्त मेरा दोस्त है और मेरी बाधा भी। मुझे रे कमिंग्स का एक मशहूर कथन याद आता है, वक्त हर चीज़ को एक बार तो रोकता ही है। कुछ साल पहले तक अब की तुलना में गुस्सा मुझे ज़्यादा आता था। जो 10 चीज़ मैं चाहता हूँ उनमें से 7 हो जाती थी तो गुस्सा होने की ज़रूरत बहुत कम हो गई और मुझे यह एहसास होने लगा कि गुस्से में कुछ हासिल नहीं होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको यह एहसास होता है। मैंने ये समझा है कि आपके पास सब्र होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है।